Okay, so अच्छा भूख लगी थी तो आई एम मसा नूडल मुझे का भी नहीं आता था हाँ फाइनली वी गॉट अम यूके में घर लेने का बहुत बड़ा एक प्रोसीजर होता है अच्छा जी हमारी गैस जा चुकी है मेरा गोलू गप्पा फूला नहीं वैसे दिस वॉज माई लास्ट विजिट एट माई मदर्स प्लेस में तो इस दफा ये मेरा सीन बहुत बैड हुआ गोल गप्पा वेरी फनी स्टोरी एंड फाइनली वी ग चांस एंड ऑल्सो जाने से पहले मैं सारा गंदबला खा के जाना चाहती हूँ बाद हमने बनानी है अफगान कढ़ाई आई विल टेल यू कि आप वो चीज़ें किस तरह से अगर आप आ रहे हैं यू के और यू डोंट हैव इनफ मनी इनफ फंड्स तो आप किस तरह से वो चीज़ें किन वेबसाइट्स पर जा सकती हैं या किन शॉप्स पर जा सकती हैं तो यू कैन अरेंज दो स्टफ़ इन अ लोअर प्राइस समाइम फ्री ऑफ कॉस्ट समीप रेट एवरीवन ओके सो टुडे इज़ ट्वेंटी सेकेंड जनवरी आज आई वॉज लिटल लेजी ऑल दो मेरे पास आज प्लेंटी ऑफ टाइम था कुछ करने के लिए जीवी सो रहा है बेसिक काम करने के बाद uh, मैं अपनी थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग के ऊपर लग गई थी बिकॉज इट्स बिन अ वाइल वो भी काफ़ी देर से कंपाइल्ड पड़ी हुई हैं चीज़ें है मेरी जिनको मुझे एडिट करना है और यूट्यूब पर अपलोड करना है

तो मैं सारी चीज़ें कट करके अपने पास सारे वेजिटेबल्स फ्रीज करके रख लेती हूँ सो वेन एवर आई नीड आई हैव टू ईट समथिंग इट्स अ वेरी क्विक रेसिपी तो मैं अपने नूडल्स के अंदर नॉर्मली ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं करती बिकॉज आई लव माई नूडल्स एज दे आर आई एम मिस गिस के नूडल्स ओवर देयर इफ अगर वहाँ मिलते हैं तो वेरी गुड अगर नहीं मिलते तो आई नीड टू फाइंड द फ्लेवर सो मुझे के ही पसंद है ऐसे पहले मैगी पसंद था चेंजेस पैलेट चेंज हो गया मेरा ओके सो टूडे एम का नॉट दिस यू कैन सी मी इन दरर एज वेल ओके एम का न सॉट दिस ड्रॉर विच इज़ अ वेरी मेसी वन बिकॉज इट्स बिन अ वाइल्ड मैंने इसको ठीक नहीं किया एज यू कैन सी दिस लॉर ऑफ स्टफ इसके अंदर हर किस्म का मेरा हेयर प्रोडक्ट हर किस्म का मेरा कॉज्मेटिक्स और बेसिक स्टफ़ लाइक दैट और मेरे कैमरा फिर ख़राब कर दिया uh, इस टाइप की चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं सो सॉर्टिंग की भी ज़रूरत है इसको इसमें से डिस्कार्डिंग की भी ज़रूरत है सो so, आज हम ये वाला काम स्टार्ट करते हैं आई एम टोटली नॉट इन अ मूड टू डू सच थिंग्स बट मुझे करना है बिकॉज टाइम कम है और वन बाई वन वन बाई वन मुझे चीज़ें सॉर्ट करनी ही करनी है आई हैव नो अदर ऑप्शन सो पहले मैं अपने नूडल्स चेक करके आती हूँ और उसके बाद अमगन स्टार्ट स्टोर ये है जनाब मेरी नेल पेंट्स की मिनी सी कलेक्शन इसके से कुछ बहुत पुरानी है और कुछ बिल्कुल लेटेस्ट है जैसे कि ये किसी ज़माने में मैंने एक मार्केट से बीस रुपए की खरीदी थी इट्स स्टिल वर्किंग और ये वाली नेल आर्ट के लिए थी इसके अंदर बड़ा अच्छा वो सिस्टम है कि आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते बट अब ये जम गई है तो इसको मैं इस तरह नहीं इस्तेमाल कर सकती उसके अलावा ये दुबई से आई हुई है इट्स द मैग्नेट वन बट इसका मैग्नेट अब उतर चुका है उसके अलावा ये पील ऑफ है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है बिल्कुल लगाते ही उतर जाती हैं मुझे पील ऑफ्स यूज़ नहीं करने आते आई डोंट नो फिर उसके अलावा ये एक रेवलॉन की है ये मेरे बच्चे ने मैंने बिल्कुल ब्रांड न्यू मडोरा की ली थी आई लव दिस कलर मुझे और किसी ब्रांड में ये कलर नहीं मिलता और ये आते ही मेरे बच्चे ने सारी मेरी बेडशीट के ऊपर गिरा दी थी उसके अलावा ये भी पील ऑफ है बट इट्स गुड आई लव दिस कलर एज यू कैन सी मेरे पास सबसे ज़्यादा ये पिंक्स और इसी के कलर्स हैं न्यूड्स भी हैं मेरे पास आई लव न्यूड्स नेल पेंट का हाल मेरे खुद का देखो ये अभी मैंने रिसेंटली एक लिया था आई लव स्टूडेंट की कलेक्शन इसकी अच्छी होती है या ये टेन टेन की कलेक्शंस भी अच्छी होती हैं इनके पास भी अच्छे कलर्स होती हैं ये आ, वो जो मैट होती है लाइक सुपर मैट वाली वो वाली मैट है ये वाली मैंने अभी लगाई हुई है जिसका मैंने हाल बुरा किया हुआ है so, सो लेट्स सी इसमें से कुछ कितनी ड्राई है मैं कितनी लेके जा सकती हूँ अपने साथ तो लेट्स गेट स्टार्टेड अच्छा ये एक साइन है जो मेरी शादी के बाद साइमन ने मुझे बनवा के दिया था और मैंने पे किचन के बाहर लगाया था और तब तक लिटरली मुझे बिल्कुल कुकिंग का कूब भी नहीं आता था, था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कुकिंग वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालूँगी तो ये तब का साइन है नाम डेफिनेटली विद मी कुछ सोवेनियर्स हैं जो मैं साथ लेके जाना चाहती हूँ जिनमें से एक ये भी है ये मैंने सीरे साइमन को फर्स्ट वैलेंटाइन पे गिफ्ट किया था इट्स एक्चुअली अ स्पॉटिफाई लिंक ओवर हियर तो अगर आप इसको स्कैन करो तो आप इसको स्पॉटिफाई पे इसी मिनट uh, से प्ले भी कर सकते हो ये जी की दुनिया में आने के बाद फ़र्स्ट एवर पिक्चर और ये हॉस्पिटल में ही मुझे मिल गई थी एज अ गिफ्ट साइमन की तरफ से सो आई एम डेफिनेटली टेकिंग दिस विद मी वेरी क्लोज़ टू माई हार्ट देन देर इज दिस कार्व्ड पिक्चर ऑफ अस ऑल मैं यहाँ पर बिल्कुल शेक बहन लग रही हूँ ये मेरी हमारी मंगनी की पिक्चर है और ये साइमन ने मुझे वैलेंटाइन पे गिफ्ट की थी फर्स्ट वैलेंटाइन पे बिफोर शादी चलो बोलो कैसे ओके हेलो एवरीवन टुडे इज़ ट्वेंटी जनवरी और मैं इस वक्त अपने घर पर हूँ अपनी अम्मा की तरफ हूँ जी जनाब तो मुझे छोड़ने के लिए कैरन सोनू भाई सदा भाभी शैला दी सारे आए थे अम्मा के घर तो यहाँ पर चल रही है जी टी पार्टी ये छोटी छोटी बच्चियों की यहाँ पर जीवी भी अभी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेगा ये यहाँ पर छोटी छोटी सी टी पार्टी चल रही है ये आज़ू है जीवी है और कैरन है फॉर सम रीज़न मेरे बच्चे को भी टी पार्टी और ये टी सेट्स का बड़ा कोई शौक चढ़ गया है so it's happening around 11 सो इट्स है नाइट सो या वो भी आजू की तरफ ऐसे ऐसे कर रहा है और अभी आज से कोई खास अपडेट नहीं है आज के लिए हाँ फाइनली वी got अ होम यूके uh, में घर लेने का बहुत बड़ा एक प्रोसीजर होता है बिकॉज़ आप पुराने जिधर भी कहीं रहे होते हैं उन सब के आपको वेरीफ़िकेशन चाहिए होती हैं एक गारंटी चाहिए होती है और एक आपको इम्प्लॉ चाहिए होता है मेरे बच्चे ने मैंने एडमिशन की हुई है हाँ डॉक्टर ला रहे अच्छा तो एक आपको जहाँ आप कहीं काम कर रहे थे तो वहाँ की गारंटी चाहिए होती है तो हमने वो सारी से पास कर चुकी हैं एंड फाइनली वी गोर ए होम यस yes, बट अभी मैंने देखा नहीं है और मुझे कोई आइडिया नहीं है बस इतना पता है ग्राउंड फ्लोर का अपार्टमेंट है टू बेडरूम वो मेरे लिए सरप्राइज़ है कि वो कैसा है आई होप इट्स प्लेजेंट सरप्राइज नॉट अ शॉकिंग वन तो लेट्स अच्छा ये अपडेट हो गई अब अभी हम करने लगी हैं ये गोलगप्पा ये गोलगप्पे मैं लेकर आई थी कोई छः माह पहले ये बेचारे कभी मेरे अपने घर कभी मेरी अम्मा के घर आते जाते आते जाते रहते हैं कभी हमें टाइम नहीं मिलता कभी हमें से कोई बीमार हो जाता है कभी हमारा मटेरियल पूरा नहीं होता समाइम हम मटेरियल बनाकर भी इसको नहीं बनाते हैं तो इस बेचारे की कभी बारी आई ही नहीं है बनाने की एंड फाइनली टुडे इज द डे आफ्टर सिक्स मंथ्स हम आज इसको बनाएंगे तो आज मैं इसको रिकॉर्ड करने वाली हूँ हमारे पास मटीरियल नहीं है चने पर गोए नहीं थे ऑब्वियसली इमली पड़ी है इमली का पानी बनाएंगे और साथ हम मंगवाएंगे दही भल्ले और दही भल्लों की फिलिंग हम इसमें डाल के तो इनको खाएंगे मेरी अम्मा ने ये आइडिया दिया था कि हम दही भल्ले मंगवा देते हैं तो हम मटीरियल नहीं प्रिपेयर कर पाए मामा मामा गया। पाए डॉक्टर आ गया हाँ जी हम जुरासिक पार्क देख रहे हैं साथ हमारा चल रहा है बारबेक्यू फिश बारबेक्यू हमने कहा हमने हैं बच्चों को तो हमने सोचा है कि बच्चों को आज फिश खिलाती हैं आई लाइक ग्रिल फिश तो मेरा भाई यहाँ पर बारबेक्यू करने लगा फ़िश का और मीन वाइल हम बनाएँगे गोलगप्पा हाँ जी अच्छा जी हमारी गैस जा चुकी है क्योंकि हमें बहुत लेट याद आया था तो अब हम ये सिलेंडर के ऊपर करने लगे हैं काम

गोलगप्पे बन चुकी हैं ये इमली का पानी बन रहा है इसमें भी पानी मैं और डालूंगी थोड़ा है अभी और ये हम मंगवा चुके हैं गोलगप्पे का अब इसको पूरा सेट करते हैं ये हमारा गोलगप्पो का मटेरियल है इसके अंदर इसके साथ ही एक चाट मसाला मिला था हमने वो भी डाला है हमने क्योंकि हम एक्स्ट्रा तीखा खाते हैं हमने अपना चाट मसाला भी डाला है साथ हमने मंगवा ले थे दही भल्ले ये आ गए हमारी छोटी छोटी सी गोलगप्पियाँ जो कि ये बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे हैं गप्पू गप्पू खा रहे हैं हां जी अब हम भी ट्राई करने लगे हैं ये तो रिवी को भी पसंद हैं या इट्स इज इज इट इट गुड आजू यस यस I mean, yes. yes. आपकी मौसी की जरूरी है इसके अंदर ये देखो जी जाने से पहले हम गोल का एक राउंड लगा रही हैं हमारे पास आज कोई मटीरियल नहीं था साथ खाने के लिए तो साथ हमने रखी अच्छा अच्छा <laughs> भी खाओ ना आज अब क्या खा रहे हो गोलगप्पा गोलगप्पा <laughs> तो हम गोलगप्पो के साथ को रख के बैठी हुई हैं हम जी को खाएंगे।, खाएंगे, खाएंगे, खाएंगे हाँ हम गोलगप्पो के साथ नीमको खाएंगे हे एवरी वन ओके सो आई एम बैक यहाँ पर मैंने आपको रिकॉर्डिंग दिखाई है कोई दो चार तीन चार दिनों की जहाँ पर शुरू मैंने अपने घर से किया था और एंड मैंने अपनी अम्मा की तरफ़ किया था दिस दिस वॉज़ माई लास्ट विज़िट एट माई मदर्स प्लेस क्योंकि जाने से पहले मुझे एक छोटा सा विज़िट करना था उधर ऑब्वियसली सबसे मिलकर भी आना था और कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी वो लेनी थी ऑब्वियसली ज़्यादा दूर के बाज़ारों में मैं नहीं जा पाई बिकॉज के सनी अभी भी ठीक नहीं था और ऑफिसिस उसकी जॉब भी थी बीच में तो इस दफ़ा ये मेरा सीन बहुत बैड हुआ था कि मैं नॉर्मली सनी के साथ ही जाती होती थी बाज़ार और जो कुछ भी जीविका या अपना लेना होता था वो ले आती थी बट इस दफा ये बड़ा सीन बैड हुआ क्योंकि सनी न्यू ईयर से बीमार हुआ है और वो तब तक बीमार रहा है जब तक इवन बल्कि मेरे इंग्लैंड आने के बाद तक भी वो बीमार ही रहा है तो मेरे काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो रह गई मिस हो गई मैं नहीं ले पाई उस तरह से तो बहरहाल ये गई खैर मैं गई थी बाजी के घर जाना था अपने मामू उनके बच्चों को विजिट करना था नॉट ऑल ऑब्वियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं था और काफ़ी मेरे विजिट्स रह गए जो दूर वाले थे जो कि मेरी कोशिश थी जैसे मेरी पुप्पो थी उनके पास होके आना था दो पुप्पोज तीन पुप्पोज है मेरी तो लेकिन मैं नहीं जा पाई उनके पास भी तो दैट वाज़ द रीज़न लेकिन अफसोस खैर क्या कर सकती हैं दिस इज़ लाइफ दिस इज़ हाउ इट इज़ तो काफ़ी लोगों को फिर मैंने एक्सक्यूज़ किया तो दैट वाज़ माई लास्ट विज़िट इसके अंदर मैंने आपको दिखाया है कि गोलगप्पा वेरी फनी स्टोरी एक दफ़ा यूरो स्टोर गई वहाँ पर मुझे गोलगप्पे का पैक मिला एंड आई डिसाइडेड कि हम इसको घर लाएंगे और गोलगप्पा बनाएंगे बट थिंग द थिंग इज़ कि जब मैं लेकर आई घर पे हमें टाइम नहीं मिला हम नहीं बना पाए ओके फ़ाइन मैं घर लेके गई मैंने कहा हम ये गोलगप्पे बनाएंगे उन्होंने कहा ओके फ़ाइन वहाँ भी नहीं बना पाई उसके बाद दोबारा मेरी अम्मी की तरफ विज़िट हुआ मैंने फिर दोबारा इसको अपने पैकेट में रखा और इसको मैंने कोई पाँच छः दफ़ा रिपीट किया आई हैव ट्राइड टू मेक द गोल्ड गप्पाज़ एट होम लेकिन घर पर अक्सर होता था चने नहीं हैं दही नहीं है कोई भी चीज़ है मतलब मटीरियल पूरा नहीं हुआ इधर आई तो इधर आके सम टाइम एक दफ़ा मैं बीमार हो गई तो मैंने कहा नहीं भाई मैं बीमार हूँ बिकॉज गोलगप्पा खट्टा है तो मेरा गला ख़राब था फ्लू था तो मैं नहीं खा पाई एक दफ़ा मोना बीमार हो गई तो हम नहीं खा पाए तो इस तरह से ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ हमारा इस तरह से सीन चला कि कुछ छः महीने गुजर गए और ये छः महीने से बैग में मेरे बेचारा विजिट करता था कभी अम्मा के घर कभी अपने घर अम्मा के घर अपने घर एंड फाइनली वी अ चांस एंड ऑल्सो जाने से पहले मैं सारा गंदबला खा के जाना चाहती थी यहाँ से जैसे मैंने अब मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी जहाँ पे मैंने दो जिलेबी मंगवा के स्पेशली खाई थी बिकॉज मुझे श्योर नहीं था कि यहाँ पर जलेबी मिलती है और मिलती तो कैसी मिलती है फिर उसके बाद मैंने दही दा, भले खाए दही भले तो खैर गोलगप्पे के अंदर ही आ गए गोलगप्पा खाया तो इस तरह का ना सारा श्वारमा श्वार मा खाया मैंने वो भी मेरे कमिंग ब्लॉग्स में मैं दिखाऊंगी तो शवारमा खाया मैंने और मैंने क्या रह गया था हाँ मैंने वहाँ वाला भी मतलब अपने घर के पास वाला भी एक बड़ा फेवरेट फेमस शवारमा था जो हम बड़े शौक से खाते थे वो भी मैंने खाया बस मेरा पान रह गया पान भी मुझे खा के आना था आई लाइक like पान नहीं, हम बहुत कम खाते हैं कभी लेकिन ये कि हम खाते ही हैं ऑब्वियसली तो मीठा पान तो वो मेरा रह गया सो दैट वाज़ द थिंग ये छोटी छोटी चीज़ें थी गंदला वगैरह जो मैंने मुझे पता था मैं यहाँ के मिस करने वाली बट आई एम आई वॉज ऑल्सो अफ्रेड बिकॉज मुझे साइमन ने स्पेशली बोला था साइमन आने से पहले बीमार हो गए थे क्योंकि उनके बैक टू बैक बहुत फेयरवल्स हुए थे थैंक गॉड मेरे बहुत बैक टू बैक फेयरवल्स नहीं थे मेरे ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ चलते रहे थे और बहुत ज़्यादा थे भी नहीं क्योंकि काफ़ियों को मुझे एंड पर टर्न डाउन भी करना पड़ा था ऑब्वियसली फन पार्ट सो यॉट अभी अम्मा के घर का ब्लॉग में थोड़ा सा और दिखाऊंगी इसके बाद हमने बनानी है अफगान कढ़ाई अफगान कढ़ाई की रेसिपी भी आपको बताएंगे साथ साथ हमने बनाई और हमने उसके अंदर क्या फ़न किया उसके अंदर हमने अपना ट्विस्ट भी लेकर आए तो वो सारा कुछ उसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे सो so, अभी मैं अम्मा के घर का ही ब्लॉग दिखाऊंगी एक दो फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे वी आर मूविंग अहेड हैड नाव जनवरी खत्म हो रहा है फेबररी स्टार्ट हो रहा है थिंग्स आर गोइंग ऑन अ फास्ट पेस नाव सो येस कमिंग अप आर द पैकिंग पार्ट विज़िट टू अदर्स होम तो अभी हाँ फ़न पार्ट अभी इसके अंदर एक और विज़िट आ रहा है फसीरत रीना के घर का बसरत का बर्थडे आ रहा था तो हमने वो सेलिब्रेट किया था बसीत को सरप्राइज़ करके तो बसर रीना के घर का भी एक और व्लॉग आ रहा है बिकॉज़ आई नो जब मैंने बसर रीना के साथ व्लॉग बनाया था अपने स्टार्टिंग डेज़ में ही तो पीपल लाइक टिट अलॉट उन्होंने बहुत इन्जॉय किया था तो रीना के साथ एक और ब्लॉग ही सो दैट्स द अपडेट फॉर नाउ येस प्रोग्रेसिंग थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग घर मिल चुका है इट्स नॉट वेल फर्निश्ड विच इज़ सेट UK UK पार्ट टू समुड पार्ट एज वेल वो जब आ क्यों था बट वेल फर्निश्ड नहीं है हमें मशीन, एक सिर्फ इस घर में फर्निश्ड मिली है उसके अलावा सब चीजें फ्रॉम स्क्रैच बनाई है इन माई कमिंग ब्लॉग्स आई विल टेल यू की आप वो चीजें किस तरह से अगर आप आ रही हैं यू के और यू डोंट हैव इनफ मनी इनफ फंड्स तो आप किस तरह से वो चीज़ें किन वेबसाइट्स पे जा सकती हैं या किन शॉप्स पे जा सकती हैं तो यू कैन अरेंज दो स्टफ़ इन अ लोअर प्राइस सम टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन अ चीपर रेट एंड टाइम ऑन अ वेरी लो कॉस्ट तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं तो वो सारी चीज़ें बिकॉज नाउ आई एम हियर सो आई नो थोड़ी बहुत चीज़ें तो सो दैट्स ऑल फॉर नाउ सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अच्छा